जनपद इटावा के कस्बा एक दिल में विशाल भंडारा किया गया। इटावा के एक दिल कस्बे में माता रानी के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर आयस राठौर, यश राजपूत, कांग्रेस नेता यदुनाथ सिंह राजपूत और युवा नेता ओंकार सिंह राजपूत ने विशाल भंडारे पहुंचकर माता रानी के दरबार में प्रसाद ग्रहण करवाया और आगे भी हर साल की तरह विशाल भंडारे का आयोजन होता रहेगा। युवा नेता सतीश राठौर ने कहा, एक दिल कस्बे में कई वर्षों से ऐतिहासिक कार्यक्रम होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। यहाँ पर सब जनता को यानी श्रद्धा भाव के साथ में भंडारा खुशी के साथ मना रहे हैं। और जो मनी राठौर दुष्यंत राजपूत इन्होंने बहुत अच्छा भंडारा, बहुत पब्लिक यानी यहाँ पर आ रही है। एक दिल बस्ती है, दिल चौराया है, यहाँ बहुत खुशी उल्लास के साथ जनता प्रसाद को पा रही है और माता के नाम पर बहुत खुश है। आजकल श्रद्धा ज़्यादा है, वो भाव ज़्यादा है, आदमी के अंदर अब वो नहीं रही जो पहले पुरानी बातें थी। अब घर घर माता का नाम लेते हैं, पहले जाकर हरियाणा पंजाब में मनाते थे, यूपी में दिल्ली में, अब यूपी में, अब इटावा शहर में बहुत हो रहा है। और भगवान के ज़्यादा से कुछ भागवत कथा वगैरह भगवान से ज़्यादा प्रेम है। मुझे जो भंडारा हो रहा है लगभग हर साल इसी तरीके से होता है? हाँ। लगभग कितनी साल से आपका भंडारा चल रहा है? ये भंडारा करीब 5 साल से चल रहा है और जो साल में त्यौहार और चैत की नौ दुर्गा होती है, दोनों ही नौ दुर्गा हमारा भंडारा किया जाता है। जो हमारी श्रद्धा होती है उस अनुसार जैसे कोई दूसरा व्यक्ति भी सहयोग कर सकता है, वैसे तो पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे कमेटी के सदस्य भी हैं लगवारा लोग, जिनमें से कुछ स्टूडेंट हैं, अपने मोहित राजपूत हैं, अपने सशपाल जी हैं, अपने ओंकार जी हैं और अपने दुष्यंत जी हैं और दो चार लोग हैं रंजीत राजपूत वगैरह, जो काफ़ी सहयोग करते हैं मतलब पूरा। और हम चाहते हैं कि ये मेरा भंडारा हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे और पब्लिक में जो मेरे प्रति श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है माता रानी के प्रति, वो माता रानी के प्रति उनका श्रद्धा भाव बना जुड़ा रहे। माता रानी का भंडारा एक दिल में अम्मी राठौर के सहयोग से और समस्त एक दिल की जनता के सहयोग से भंडारा चल रहा है। और भंडारे के लिए मैं दुआ करूंगा माता रानी हमेशा ऐसी तरीके से देती रहे और हमेशा माता रानी की कृपा से भंडारा चलता है। एक दिल में आज से नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है एक दिल में धार्मिक कार्य में हमेशा भंडारे हुए, चाहे गणेश जी भगवान की कार्यक्रम हो, प्रतिमा रखी गई दिल चौराहे पे विशाल भंडारा होता है, चाहे बजरंगबली बाबा का पूर्वा मंगल मेला हो विशाल भंडारा एक दिल में होता है, चाहे माता रानी के नव दुर्गा लगती हो, तो मैया की कृपा से भंडारा चलता है। एक दिल के सहयोग जनता की और हमारी समस्त एक दिलवासियों की तरफ से मैं माता रानी की कृपा से मैं मैया से यही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा मैया आशीर्वाद देती रहे और हमेशा भंडारे चलते रहें।